नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने आज ऑल इंडिया सूफी सज्जादन शीन काउंसिल के इंटरफेथ सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की तरक्की को बाधित कर रहे हैं। वे धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। इससे पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं काउंसिल के अध्यक्ष हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने एनएसए के सामने कहा कि सर तन से जुदा हमारा नारा नहीं है, ये इस्लाम विरोधी नारा है। उन्होंने कहा कि एक एंटी रेडिकल फ्रंट स्क्वाड बनाया जाए जिसमें सभी संगठन एक साथ आएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पीएफआई के खिलाफ सबूत है तो उन पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला मेडल जीत लिया है। बता दें कि भारत को अपना पहला पदक वेटलिफ्टिंग में मिला है। संकेत महादेव सरगर ने भारत को ये पहली सफलता दिलाई है। उन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में स्नैच में 248 केजी वजन उठाकर सिल्वर अपने नाम किया है। वहीं गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मलेशिया के मोहम्मद अनिक से महज 1 केजी पीछे रह गए। अनिक ने 249 केजी वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि संकेत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर एक बड़ी उपलब्धि है, खासतौर पर जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं और जिन हालातों में उन्होंने खुद को यहां तक लाने के लिए तैयार किया है, वो किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल संकेत के पिता एक पान की दुकान चलाते हैं जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गुजरातियों और राजस्थानियों वाले बयान पर जवाब दिया है। उद्धव ने कहा कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र में हर चीज का आनंद लिया है, अब समय आ गया है कि वो कोल्हापुरी चप्पलें भी देखें। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2-3 साल में गवर्नर के जो बयान हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के नसीब में ऐसे लोग क्यों आते हैं। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई से राजस्थानियों और गुजरातियों को निकाल दिया जाए तो यहाँ पैसा बचेगा ही नहीं। इसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों की ही ओर से एक नाराजगी जाहिर की जा रही है। अक्षय कुमार उनकी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर हैं। स्वामी का आरोप है कि अक्षय की फिल्म में राम सेतु को लेकर के गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने आज 2 ट्वीट करके फिल्म के मेकर्स और अक्षय कुमार पर केस करने की बात कही है। स्वामी ने कहा कि अगर अक्षय कुमार विदेशी नागरिक है तो हम उनकी गिरफ्तारी और उन्हें देश से बेदखल करने के लिए कह सकते हैं। बीजेपी नेता स्वामी ने पहले ट्वीट में लिखा, मैं अक्षय कुमार और उनकी कर्मा मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला हूँ। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को गलत तरीके से पेश किया है। उनकी इस फिल्म में राम सेतु की छवि को नुकसान पहुंचाया है। मेरे वकील सत्य सभरवाल केस का ड्राफ्ट फाइनल कर चुके हैं। खबर बस्ती से है। बस्ती में परिषदीय विद्यालय से एमडीएम का राशन बेचे जाने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने आरोपी शिक्षिका सरोज सिंह को निलंबित कर दिया है। बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि मामले में जांच टीम का गठन कर दिया गया है। जांच टीम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बस्ती सदर ब्लॉक के दारीडीहा स्थित परिषदीय विद्यालय से एमडीएम का राशन बेचे जाते हुए एक आरोपी को पकड़ा गया है जिसमें खरीदार ने राशन खरीदने की बात कबूली थी। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में हरियाली तीज को लेकर महिलाओं और लड़कियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाली तीज पर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हरियाली तीज नागपंचमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ये त्यौहार तो बहुत वर्षों से मनाया जा रहा है और ये सारी सुहागन महिलाएं और लड़कियां भी मनाती हैं इस त्यौहार को। बाकी इस त्यौहार पे हम लोग मेहंदी लगाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, झूले वगैरह झूलते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं बस।
और क्या साज श्रृंगार करते हैं, ग्रीन कलर का बहुत महत्व है इसमें, ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं और यही सब। जिस तरीके आजकल के दौर में जो है लोग त्योहारों को भूलते जा रहे हैं, त्योहारों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मतलब कि हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, तो हमें अहमियत ज़रूर देनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि इस इन त्योहारों पे ज़रूर हमें अपनी वेशभूषा भी वैसी रखनी चाहिए जैसे त्योहार के हिसाब से। वो 10-15 लोगों के एक बंदा लगा चुका है। 10-15 लोग लगा लेते हैं? हाँ, एक बंदा। क्या चार्जेस लेते हैं? 100 रुपये का पर हैंड, आगे पीछे अरेबिक भरा हुआ, 200 रुपये का पर हैंड। तो आज की अगर बात करें तो लगभग कितनी महिलाएं अब तक आई और कितने लोगों को लगवा? कम से कम 8-10 लोग हैं मेरे पास ग्रुप में, कम से कम वही 100-150 लोगों को लगा चुके हैं हम लोग। कन्नौज में लंबे समय से सेवा दे रहे 7 दारोगाओं को प्रमोशन दिया गया है। ये सभी दारोगा अब प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बन गए हैं। वही इंस्पेक्टर बने सभी दारोगाओं को SP कुंवर अनुपम सिंह ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अमेठी में एक घर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घर में गोला बनाने का काम चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के दाखिन वारा का है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बड़ी इंडिया।